हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बिलियन डे सेल्स के बारे में। जो महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं या महंगे महंगे फ़ोन हैं, टीवी हैं, वो आपको बहुत ही कम दामों में मिलने वाले हैं। करीबन करीबन 10 से 12 हज़ार रुपये का आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो 5 फ़ोन जो आपको बेस्ट प्राइस रेंज में मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे और वैल्यू फॉर मनी होंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। हाय गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं हेल्प एंड हिंदी। पहले फोन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फोन देखने के लिए मिलता है वो है OnePlus Note 4, जिसकी करंट प्राइस अभी यहाँ पे 28,000 रुपए देखने के लिए आपको मिल जाएगी अगर आप विजिट करते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे। तो इस फोन की जो क्वालिटी है यार, वो बेस्ट है। इसका डिस्प्ले एमुलेट आपको देखने के लिए मिलता है, स्पीकर क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। तो जो मेरे भाई मूवी के शौकीन हैं और कोई ऐसा फोन परचेस करना चाहते हैं जिसका स्पीकर क्वालिटी और कैमरा अच्छा हो, तो ये फोन आपके लिए हो सकता है। अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स में ये फोन आपको 24 से 25 हज़ार रुपए में देखने के लिए मिल जाएगा विथ बैंक ऑफर के साथ। और यार ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा, तो बढ़िया फ़ोन है। आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो, लेकिन बिग बिलियन डे सेल में ही परचेस करना। अगले फ़ोन की बात की जाए तो आजकल जो माहौल बना हुआ है, बोले तो एक हाइप क्रिएट है हमारे भाइयों के बीच में कि यार गेमिंग फ़ोन चाहिए जो बढ़िया परफॉर्मेंस करे गेमिंग में, तो ये फ़ोन आपके लिए हो सकता है और बहुत ही कम दामों में है, चिंता मत करो। तो हम जिस फ़ोन की बात कर रहे हैं वो है IQ Neo 9। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। ये प्रोसेसर यार यकीन मानो, जब ये प्रोसेसर लॉन्च हुआ था तो बहुत लोगों को ऐसा भी लगा था कि प्रोसेसर यार डिसेंट सा है, कुछ खास अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन यूज़ करने के बाद पता चला बेहतरीन प्रोसेसर है, गेमिंग बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप गेमिंग के पर्पस से कोई फ़ोन परचेस करना चाहते हो तो इस फ़ोन को आप परचेस कर सकते हो। बाकी इसका कैमरा डिसेंट सा है और डे टू डे लाइफ में आपको वर्क भी अच्छा परफॉर्म करके देगा, लेकिन कैमरे के ऊपर आप मत जाना, कैमरा बहुत डिसेंट सा आपको देखने के लिए इसका मिलता है। अगर बात की जाए कि सेल्स में कौन से प्राइस रेंज में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो 37,000 रुपये में आपको ये सेल में देखने के लिए मिलेगा, और कुछ कैशबैक वगैरह बैंक ऑफर लगा के आपको ये करीबन 35,000 रुपये का पड़ जाएगा। अगले फ़ोन की बात की जाए तो वो भी एक IQ का फ़ोन है जो कि यहाँ पे 8S Gen 3 के प्रोसेसर के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं IQ 12 की। स्टोरेज की बात की जाए तो 512 GB का आपको स्टोरेज देखने को मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले और एक डिसेंट क्वालिटी का आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा। चलो प्राइस की बात कर लेते हैं। करंट प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आपको 58,000 का देखने के लिए मिलेगा, और बिग बिलियन डे सेल में आप यकीन नहीं मानोगे 10,000 रुपये सस्ता हो गया है ये फ़ोन। ये फ़ोन आपको 42,000 रुपये में ही मिल जाएगा बिग बिलियन डे सेल में। अगर आप बैंक ऑफर लगाते हो तो आपको 1-2 हज़ार रुपये और भी सस्ता देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट और आखिरी फ़ोन के बारे में, OnePlus 12 जब लॉन्च हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है यार, इस फ़ोन का जो सेल है वो बहुत ही कम हुआ था, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक में ये फ़ोन पड़े हुए हैं और कंपनी इसे निकालना चाहती है। देखो फ़ोन बेकार नहीं है, लेकिन इसका जो प्राइस रेंज था वो बहुत हाई होने की वजह से बहुत ही कम बिका मार्केट। बैटरी कैमरा आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, डे टू डे वर्क भी आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिल जाता है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 65,000 रुपये इसकी करंट प्राइस है, और सेल में ये आपको 47,000 तक का देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही बड़े डिस्काउंट के साथ ये फ़ोन बिग बिलियन डे सेल में आने वाला है। तो अगर आप गेमिंग के साथ कैमरा, स्पीकर और बहुत सारे परफॉर्मेंस के तरफ जाना चाहते हो तो ये फ़ोन आप परचेस कर सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपकी क्या राय है, कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा बेटर लगा और कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा सस्ता लगा इस सेल में, आप अपनी राय हमारे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ यार अपने प्यारे प्यारे कमेंट कमेंट बॉक्स में छोड़ते हुए ज़रूर जाना। मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।